हेलो एवरीवन, आज हम प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि स्क्वायर रूट हमारा 5 इरेशनल है। हम बाद में इसको गलत प्रूव करेंगे कि इरेशनल नहीं है। लेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर हमारा होता है, इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए। ऐसे फाइव हमारा, फाइव को हम लिख सकते हैं 5.1 पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने लट कर लिया स्क्वायर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है। तो हम स्क्वायर रूट 5 को मान लेते हैं, हमने लिख लिया a बाई बी की फॉर्म में, ठीक है। अब जो a और b हैं, a एंड b, ये हमारे को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसमें ओनली a की कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, जिसमें 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर हो, वो हमारे होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 5/7/5, ठीक, इसमें इसे हम कैसे लिखेंगे, 7 into 1 5 into 1, इसमें हमारा 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, को प्राइम है जिसमें 1 कॉमन। तो ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 into p इक्वल टू a आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमने इसको स्क्वायर कर देना है बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर रूट 5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है 5, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। अभी b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ से हमारा जो 5 है a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 हमारा 5 डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर हमारा कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर p हमारा कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमारा 81 है, ठीक है, 81 के फैक्टर हुए 3 into 3 into 3 into 3, ठीक, 3 into 3, तो ये 81 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 3। जैसे कि 3 उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसको भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 हमारा, जैसे 9 का स्क्वायर 81 है, स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है पर 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे 5 आल्सो डिवाइड ए। अब क्या करना है, हमें पता है कि जैसे ए को हमारा 5 डिवाइड कर रहा था, ठीक है, ए को हमारा 5 डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं कोई इंटीजर आता है सी, ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इक्वल टू 5c मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ए वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 5b स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 5c, फिर इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 into c स्क्वायर, ठीक। यहाँ से दोनों 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तुम्हारा आया ये कट गया 5 5, बी स्क्वायर इक्वल टू
फाइव सी स्क्वायर सेम पहली पहले जैसे होगा। यहाँ पे हमारा जो फाइव है, फाइव डिवाइड बी स्क्वायर, फाइव बी स्क्वायर को डिवाइड करा तो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये बी को भी डिवाइड करेगा, फाइव आल्सो डिवाइड बी, ठीक है, फाइव आल्सो डिवाइड बी। इसके बाद जैसे तो हम इसको लेट, इसको आपने एक नंबर नेट कर लेना है, इसको टू नंबर, ठीक। तो इसमें हमें पता है कि ए फाइव ए को डिवाइड कर रहा है, अब यहाँ पे फाइव बी को भी कर रहा है। अगर यहाँ देखे फाइव ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो मीन्स के दोनों के पास एक फाइव कॉमन फैक्टर, ठीक है, मीन्स के फाइव फाइव हमारा कॉमन फैक्टर है ऑफ ए एंड बी, ए हमारा फ्रॉम वन एंड टू, तो फ्रॉम वन एंड टू से आया। तो हमने जो लेट किया था कि ए एंड बी को प्राइम है, को प्राइम मीन्स ओनली वन ही इसका कॉमन फैक्टर है वन, तो यहाँ पे तो फाइव भी कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा जो लेट किया था वो रॉन्ग है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट फाइव हमारा इज इरेशनल नंबर, ठीक है। लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है, ओके बाय।